अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां समुद्री शेल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां के साहिलों पर दुनिया के कीमती तरीन रेत पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल मछली इसी मुल्क में पाई जाती है, और एक ऐसा मुल्क जहाँ इतवार के दिन छुट्टी की बजाय काम किया जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपने साहिलों के लिए मशहूर और दुनिया के सबसे छोटे इस्लामी मुल्क मालदीव की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मालदीव का मुकम्मल नाम द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है, जिसे मालदीव जज़ायर के नाम से भी जाना जाता है। मालदीव शुमाली वस्ती बहरे हिंद में वाके एक आजाद जजीरा नुमा मुल्क है। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है और इसका कुल रकबा सिर्फ 297.8 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले एक मुतहर्रिक और हलचल वाला शहर है, जो मुल्क के 26 एटलस में से एक पर वाके है। मुल्क के सियासी, इक्तसादी और सकाफती दिल के तौर पर माले जदीदियत और रिवायत का दिलकश इम्तिजाज पेश करता है। ये शहर अपनी रंग बिरंगी इमारतों, तंग गलियों और रवां बाजारों के लिए जाना जाता है। अपने मरकजी मकाम के साथ माले मालदीव के इंतजामी मरकज के तौर पर काम करता है, और बहुत से बैनुल अक्वामी जायरीन की आमद का मकाम है, जो उसे मुल्क के दिलकश अक्षबंदी जजीरों और आसपास के एटलस में रिजॉर्ट्स का गेटवे बनाता है। मालदीव की कुल आबादी सिर्फ 5,21,021 अफराद पर मुश्तमिल है। मालदीव की सरकारी जुबान दिवेही या मालदीवियन है। मालदीव में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मालदीवियन रुपया है। मालदीव का सरकारी मजहब इस्लाम है और आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। मालदीव ना सिर्फ एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा इस्लामी मुल्क है, जो मजहबी अदम बर्दाश्त की वजह से मशहूर है। 1997 और 2008 के आइन में इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया गया है। मालदीव के शहरियों का मुसलमान होना यहाँ के आइन में शामिल है, और शहरियों को वाजे तौर पर किसी दूसरे मजहब की पैरवी करने से मना किया गया है। मालदीव के साहिलों पर दुनिया की कीमती तरीन सफेद रेत पाई जाती है। पूरी दुनिया के साहिल पीली रेत पर मबनी होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में मालदीव के साहिल पर सफेद रंग की रेत होती है। दुनिया भर की रेत कॉटेज, जबकि मालदीव की रेत मरजान से बनी होती है, जो कि इसको बेशकीमती बनाती है। दुनिया के सिर्फ 5% साहिलों में ऐसी कीमती रेत पाई जाती है, और मालदीव उन कीमती नगीनों में शामिल है। मालदीव में हफ्ते का इख्तिताम इतवार के बजाय हफ्ते को ही हो जाता है। मालदीव में हफ्ते और इतवार की बजाय जुमे और हफ्ते को वीकेंड तसव्वुर किया जाता है, और अगले हफ्ते का आगाज इतवार के दिन ही हो जाता है। यानी पूरी दुनिया की अक्सरियत जिस दिन छुट्टी मनाती है, मालदीव के लोग उस दिन एक नई उमंग के साथ काम में लग जाते हैं। बहरे हिंद में वाके खूबसूरत जजीरा मालदीव समुद्री हयात के मुतनव्वे इकसाम का घर है, जिनमें समुद्री कछुए अहम मकाम रखते हैं। ये खूबसूरत मखलूक मालदीव के पानियों में वाफर मकदार में पाई जाती है। दुनिया के 7 किस्म के समुद्री कछुओं में से 5 मालदीव में पाए जाते हैं। ये समुद्री कछुए मालदीव के मुतहर्रिक ज़ेरे आब माहौलियाती निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा हैं, जिन्हें अक्सर क्रिस्टल साफ झीलों और मरजान की चटालों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। मालदीव बहरे हिंद में एक पुरफतन जजीरा नुमा मुल्क है, जो एटल्स और जजायर के मजमुए पर मुश्तमिल है। ये 26 मरजान एटलस और 1190 जजायर पर मुश्तमिल है। इनमें से तकरीबन 200 जजायर आबाद और 110 मुकम्मल तौर पर सियाहत और ऐशो आराम के मकासद के लिए खोले गए हैं। शानदार सफेद रेत के साहिलों, फिरोजी पानियों और वाफर समुद्री जिंदगी के साथ मालदीव अक्षबंदी जन्नत के मुतलाशियों के लिए एक आलमी शोहरत याफ्ता मकाम है। हर एक अटोल और जजीरे की अपनी अलग दिलकशी और खूबियाँ हैं, जो मालदीव को कुदरती हुसन के मुतलाशियों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाते हैं। नारियल के दरख्त, जिन्हें अक्सर मकामी जबान में दिवेही रूह यानी द स्पिरिट ऑफ गॉड कहा जाता है, मालदीव में हर जगह मौजूद हैं और दुनिया में मालदीव की पहचान का बायस हैं। ये दरख्त मालदीव के लोगों को बहुत सारे जरूरी वसाइल
जिनमें नारियल और उनके दूध से लेकर तमीर के लिए लकड़ी और छतों के लिए पत्तों तक में काम आते हैं। ये दरख्त न सिर्फ रोजी रोटी का जरिया हैं, बल्कि मुल्क के सकाफती विरसे और कुदरती हुसन की भी अलामत हैं। मालदीव के समुद्री शेल्स को 1800 की दिहाई में बैनुल अक्वामी तिजारती करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जो मालदीव के पास बाल्टी लोड के जरिए होता था। ये काउरी शेल मखसूस हल्के वजन के होते हैं और इनको जाली नहीं बनाया जा सकता है, जिससे ये पैसे के एक मिसाली मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। शेल मनी की तिजारत बहुत पहले खत्म हो चुकी है और काउरी शेल इन दिनों बेकार हैं। ताहम अब इन्हें मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी का निशान समझा जाता है। मालदीव को शानदार वेल शाह की सियाहत के लिए अहम मकामात में से एक के तौर पर जाना जाता है। ये नरम जो हैकल दुनिया की सबसे बड़ी मछली 40 फुट तक की लंबी होती है। मालदीव के पानियों में, खास तौर पर जुनूबी अपरी अटोल में, इसकी मौजूदगी से इस पानी के अंदर रहने के शौकीन अफराद और माहौलियाती सियाहों के लिए एक आला मकाम बनाता है। ये गोताखोरों और स्नॉकलर्स को इन खूबसूरत समुद्री हयात को करीब से देखने के मुनफरिद मौके फराहम करती है। मालदीव के सब जजीरे कुदरती नहीं हैं, बल्कि कई मस्नूई जज़ाइर खास तौर पर सियाहत के पेशे नज़र तैयार किए गए हैं। मिसाल के तौर पर उलहुमाले जजीरा माले के करीब एक इंसान साख्ता जजीरा है, जिसे 2004 में रेत के ढेरों के जरिए बनाया गया था। इस जजीरे को तमाम जदीद आराइशों से लैस किया गया है और यहाँ सियाहत एक नकाबले यकीन साहिली पट्टी के तौर पर परवान चढ़ रही है और ये मालदीव की सियाहत और मईशत में अहम किरदार अदा करता है। मालदीव के बारे में एक हैरानकुन हकीकत ये है कि मालदीव के मकामी लोग एक जमाने में मरजानों में अपनी रिहाइश गाहें बनाया करते थे और देखते ही देखते ये एक पुरकशिश मकाम बनता चला गया और अब ये सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। आज भी मालदीव की सैर को आने वाले मकामी आबाद जजीरों जैसे माले, उलहुमाले वगैरह में मरजान के घरों में ठहरना पसंद करते हैं। तो ये थे मालदीव के बारे में चंद ऐसे हकायक जो वाकई हैरानकुन हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक नए मुल्क की कहानी लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।